प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के जिला अस्पतालों में मरीजों को रद्दी दवाइयां दी गईं और बच्चों को हेपेटाइटिस बी की एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाई गई। ऑडिट में यह तथ्य रामगढ़ और देवघर के जिला अस्पतालों में उजागर हुए हैं। विभाग ने गड़बड़ी के इन मामलों में महालेखाकार द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब ही नहीं दिया। जांच में देर की वजह से 1 करोड़ रुपए से अधिक की दवा बेकार हो गई। यह जानकारी प्रधान महालेखाकार ऑडिट इंदु अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इंदु अग्रवाल ने बताया कि देवघर के सिविल सर्जन ने 25 जुलाई 2018 से जनवरी 2019 के बीच डेक्सोना इंजेक्शन 2 ml का 17,500 वायल जिला अस्पताल को दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने 30 जुलाई 2018 को इसमें से नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब गुवाहाटी ने 8 मार्च 2019 को इंजेक्शन को नकली करार दिया। आपूर्तिकर्ता की आपत्तियों और न्यायालय के आदेश के आलोक में इंजेक्शन को दूसरी बार CDL कोलकाता भेजा गया। जांच के बाद CDL ने इसे सब स्टैंडर्ड करार दिया। कोलकाता की प्रयोगशाला की रिपोर्ट 11 सितंबर 2019 को आई। ऑडिट में पाया गया कि देवघर जिला अस्पताल ने इस इंजेक्शन के 17,500 वॉयल में से 12 मार्च 2019 तक मरीजों के लिए 4,185 वॉयल का इस्तेमाल कर लिया। 309 वॉयल का इस्तेमाल 12 मार्च से 31 मार्च 2019 तक के बीच किया गया, जबकि गुवाहाटी की प्रयोगशाला ने 12 मार्च 2019 को जानकारी दे दी थी। फिर बाद में कोलकाता की प्रयोगशाला ने भी इंजेक्शन के रद्दी होने की 11 सितंबर 2019 को पुष्टि की थी। प्रयोगशाला द्वारा रद्दी घोषित करने के बाद भी मरीजों के लिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर महालेखाकार द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब विभाग ने नहीं दिया। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।